हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट और आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे अप्रेंटिस 2024 का जो आपका नया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में आप सब यहां बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हर डाउट सेशन में पूछ रहे थे, हर कमेंट बॉक्स में आपका क्वेरी आ रहा था कि रेलवे का नया नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग कब जारी होगा। फाइनली आपका इंतजार यहां पर खत्म हो गया और रेलवे ने सबसे बड़ा जो खुशखबरी आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, रेलवे की तरफ से आपका नए अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पार्टिकुलर आपको वीडियो के आगे पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि कौन कौन से लोग आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होगा, फीस लगेगा या नहीं लगेगा, एज लिमिट वगैरह क्या है, और खासकर जो इस बार 2023 में ITI पास किए हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, कैंडिडेट वीडियो के एंड तक बनी रहेगा ताकि सारी जानकारी आपके पास हो। फॉर्म अप्लाई करने से पहले सभी बेहद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं आप सभी जरूर देखिएगा ताकि आपका फॉर्म यहां पे रेलवे रिजेक्ट ना करें। टोटल पोस्ट का बात करें तो 2409 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें ITI पास के विभिन्न विभिन्न ट्रेडों को यहां पर मौका दिया गया है। तो रेलवे अप्रेंटिस के लिए बड़ी खबर आपको अभी दे रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले, जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हर तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पर देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है आपको profitstudy.in पे ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो पर्टिकुलर जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली आ गए हैं रेलवे का जो नया नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग जारी किया गया, जिसमें टोटल 2409 पोस्ट है और ये जो आपका डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। आप सभी को पता है कि पहले से अभी तक इसका जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसका नोटिफिकेशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, वैकेंसी पूरा सीट नहीं फुलफिल हो पाया है। 2422 पोस्ट पर जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ऑलरेडी इसका फर्स्ट DB कंप्लीट हो गया, कहीं का ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ है, कहीं का सेकेंड DB के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो सेंट्रल रेलवे का 22-23 सेशन के रिगार्डिंग जो अपडेट है वो आपको चैनल पे दिया जाता है और अभी जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 23-24 सेशन का अप्रेंटिसशिप का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो टेंशन मत लीजिए, हर तरह का इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 19/8/2023 सुबह 11 बजे से आप सभी का ऑनलाइन लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा। हड़बड़ाकर फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो फॉर्म अप्लाई करने से पहले पूरा प्रोसेस होता है आपको पता होना चाहिए। वीडियो आ जाएगा चैनल पे जैसे इसका लिंक एक्टिव होगा कि आपको टोटल 10th का 500 नंबर डालना है, 600 नंबर डालना है, कैसे करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपका कम अगर एवरेज बन रहा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। लास्ट डेट आपका है 28/9/2023 शाम के 5 बजे तक, मतलब 28 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मेल एवं फीमेल सभी को मौका दिया जाता है सेंट्रल रेलवे में। टोटल पोस्ट का बात करें तो देखिए 2409 पोस्ट है, कितना 2409 पोस्ट पे ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। ऐसा नहीं कि इसमें सर्टेन राज्य सर्टेन डिस्ट्रिक्ट वाले, ऐसा नहीं होता है, ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्य वाले फॉर्म यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है तो 10th प्लस ITI का जो एवरेज परसेंटेज है उसके अनुसार आपका यहां पे मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिसका 10th में 50% से कम है, ठीक है, जिसका 10th में माध्यमिक में मैट्रिकुलेशन में 50% से कम है, वो सभी छात्र फॉर्म रेलवे अप्रेंटिस का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। इसमें बात करें तो ITI के NCVT और SCVT दोनों तरह के सर्टिफिकेट होल्डर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई के टाइम आपके पास प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए टोटल बात करते हैं तो कितने क्लस्टर्स हैं, सेम आपको 5 क्लस्टर्स से यहां पे भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से आपका मुंबई क्लस्टर ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको भुसावल क्लस्टर, पुणे, नागपुर और सोलापुर, सेम आपको वही सारे यूनिट भी देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस में आपका 22-23 सेशन में देखने को मिल रहे थे। इसमें अगर बात करते हैं तो देख लीजिए कौन कौन सा यूनिट है, कैरिज एवं वैगन, कोची, बाडी मंडर, मुंबई, कल्याण डीजल सेट, कुर्ला डीजल सेट और
सीनियर टीआरएस कल्याण, उसके बाद एसआर कुरला, परेल वर्कशॉप माटुंगा, एसएनटी वर्कशॉप बाइकुला। उसके बाद बात करते हैं भुसावल में, तो आपका देखिए कैरिज एवं वैगन डिपो, इलेक्ट्रिक लोको सेट भुसावल, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप भुसावल और यहाँ पे मनमाद और टीएमडब्ल्यू नासिक रोड। पुणे में बात करते हैं तो कैरिज एवं वैगन डिपो डीजल लोको सेट पुणे के अंतर्गत। नागपुर में बात करेंगे तो डीजल लोको सेट अंजनी और यहाँ पे कैरिज एवं वैगन डिपो। सोलापुर में बात करते हैं तो कैरिज एवं वैगन डिपो और यहाँ कुर्दवाड़ी वर्कशॉप आपको देखने को मिलता है, जिसमें टोटल 2409 पोस्ट यहां पे रिलीज किया गया है। उसके बाद क्लस्टर वाइज टोटल वैकेंसी देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे कितना वैकेंसी हो रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। मुंबई में अगर बात करेंगे मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत, तो टोटल यहाँ पे 258 वैकेंसी है जो आपका कैरीज एवं वैगन कोची बाडी बंडर से रिलीज किया गया है। अब इसमें बात करते हैं कि देखिए कौन कौन सा ट्रेड है, फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर और टेलर, ये सभी 258 पोस्ट में नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है कैरिज एवं वैगन कोची बाडी बंडर से, ठीक है। उसके बाद कल्याण डीजल सेट से बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 50 वैकेंसी है। उसी तरह कुर्ला से अगर बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 60 वैकेंसी है। मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत अगर बात करते हैं कल्याण से, तो आपका कल्याण में टोटल 9 तरह का ट्रेड को मौका दिया गया और 179 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। उसी तरह कुर्ला में बात करेंगे तो 192 वैकेंसी है, ठीक है। परेल वर्कशॉप में बात करते हैं तो परेल में आपका सबसे ज्यादा 303 वैकेंसी है। उसी तरह माटुंगा में बात करेंगे तो आपका 547 वैकेंसी सिर्फ आपका माटुंगा से रिलीज किया गया, जो बहुत ज्यादा है अभी तक का। एसएनटी बाइकुला में बात करते हैं तो सिर्फ 60 वैकेंसी है। भुसावल से बात करते हैं तो आपका देखिए 122 वैकेंसी कैरिज एवं वैगन डिपो में है। उसके बाद इलेक्ट्रिक लोको सेट से बात करते हैं भुसावल के अंतर्गत, तो मात्र 80 वैकेंसी है। वहीं इलेक्ट्रिक लोको सेट वर्कशॉप से बात करते हैं तो 118 वैकेंसी है। मनमाद से बात करते हैं तो यहाँ पे 51 वैकेंसी। टीएमडब्ल्यू नासिक रोड से बात करते हैं तो 47 वैकेंसी है। अब आते हैं पुणे क्लस्टर में, पुणे क्लस्टर में देख लीजिए आपका टोटल कैरिज एवं वैगन डिपो में 31 वैकेंसी है। उसी तरह डीजल लोको सेड में बात करते हैं तो 121 वैकेंसी है। नागपुर क्लस्टर के अंतर्गत आ जाइए तो इसमें टोटल वैकेंसी इलेक्ट्रिक लोको सेड अंजनी में 48, कैरिज एवं वैगन डिपो में 66 वैकेंसी। सोलापुर क्लस्टर के अंतर्गत बात करते हैं तो इसमें आपका कैरिज एवं वैगन डिपो में 55 और कुर्दवाड़ी वर्कशॉप में आपका वैकेंसी 21 देखने को मिल रहा। तो टोटल यहाँ पे 5 क्लस्टर थे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का जो वैकेंसी था वो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर किया। आगे देखिए कि आगे आपको क्या बताया गया है। आप ध्यान से देखिए, जो भी कैंडिडेट 2023 में आईटीआई पास किए हैं, एज लिमिट का क्रिटेरिया को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपका 15 साल एज होना चाहिए, मिनिमम 15 साल से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मैक्सिमम कितना हो चाहिए जो ओपन कैटेगरी से अप्लाई करिएगा, तो 24 साल, मतलब 15 से लेकर 24 साल ओपन जनरल वालों के लिए एज लिमिट यहां पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद एज का काउंट आपका कब से किया जाएगा, तो एज का काउंट जो है आपका 19/8/2023 से किया जाएगा, मतलब 29 अक्टूबर 2023 से आपका एज का कंसिडर किया जाएगा। अब एज में किसको कितना रिलैक्सेशन मिलता है, तो ओबीसी में आपका, अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम आपको जो है 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ध्यान से समझ लीजिए, जो नए कैंडिडेट हैं जो इस बार आईटीआई पास किए हैं, ओबीसी से आप हैं तो 3 साल का, एससी एसटी में 5 साल का और पीडब्ल्यूडी में 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यह देख लीजिए आपका अनरिजर्व में, अगर आप 1999 से 29/8/2008 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह एससी एसटी ओबीसी सारे का मिला लीजिएगा, अगर इस डेट के बीच अगर आपका डीओबी आ रहा तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं और आपको क्या बताया गया, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 10th में कम से कम आपका 50% अंक होना अनिवार्य है, अगर 50% अंक से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आईटीआई का बात करते हैं कि आईटीआई में एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों तरह के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्रिटेरिया नहीं रखा गया है कि एनसीबीटी वाले ही अप्लाई करेंगे, एससीबीटी वाले नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आपने एनसीबीटी से आईटीआई किया है, चाहे आपने एससीबीटी से अप्लाई किया, तो किसी भी तरह से आपने अगर यहां पे संस्थान से आईटीआई किया है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि 10th में आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस के रूप में बात करें तो आपका 100 रुपए का फीस पेमेंट लगने वाला है। किसे नहीं देना है फीस पेमेंट, तो ध्यान से देखिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ओमेन कैंडिडेट को फीस पेमेंट नहीं करना है। फीस पेमेंट करना है किसे, अनडिजर्व
ओबीसी वाले को यहां पे 100 रुपीज का फीस का भुगतान करना है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन आपका फीस का भुगतान होगा, टेंशन मत लीजिए। जब इसका लिंक एक्टिव होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। और पार्टिकुलर अप्लाई करने से पहले पूरा प्रोसेस को समझ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई मैंने इसके रिगार्डिंग पहले ही आपको बता दिया कि जैसे लिंक एक्टिव होगा ऑनलाइन सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना मस्ट है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको वहां पे देना पड़ेगा। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 28 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड का बात करें तो आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड यहां पे होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है अप्रेंटिसशिप के तौर पे आपको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। और नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर को 7,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्टाइपेंड का भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, कोई भी रहने खाने का आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, सारा बंदोबस्त आपको खुद करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा गया सारा कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे, ताकि किसी भी कैंडिडेट के मन में कोई भी यहाँ पे ऐसा ना लगे कि जानकारी उनके पास छूट गया हो। ये देखिए सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको अपना मेडिकल नहीं, आपको कार्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको डीबी के टाइम पे देना पड़ता है, वो आपको ऑनलाइन अप्लाई के टाइम नहीं देना पड़ता है। पर जो आपको कार्ड सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन आवेदन करते टाइम आपको सबमिट करना होगा। तो ये आपका फॉर्मेट है, SC ST वाले अप्लाई कर यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको ऐसे भी profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे इसका PDF अपलोड है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी वाले देख लीजिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको सारा मिल जाएगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, हालांकि मेडिकल अभी आपको जरूरत नहीं है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट और बहुत बड़ा अपडेट आ रहा आपको सेंट्रल रेलवे 23-24 सेशन के रिगार्डिंग को, नया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं अगर इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल के डेट से मतलब 29/8/2023 से सुबह 11 बजे से इसका ऑनलाइन जो लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जैसे लिंक एक्टिव होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है आपको profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे एक्टिव हो जाएगा, वहां से जाके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऑनलाइन अप्लाई का जब लिंक एक्टिव होगा तो वहां पे भी आपको लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।